नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किस तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनमें किस तरह की सेल रिएक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड में रिएक्शन होती कैसे है, सबसे बड़ी चीज है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड को होने वाली अभिक्रिया इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या अर्ध सेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन इसको कहते हैं। कि ज्यादातर प्रयोगशालाओं में जो उपकरण में हमें गैस जो सेल काम आता है वो डेनियल सेल आता है। इसमें जिंक और कॉपर की छड़ों में इलेक्ट्रोड के रूप में काम ली जाती है। ये इलेक्ट्रोड क्रमशः जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबे रहते हैं। वो एक सरंध्र पात्र में पृथक रहता है। कि जैसे स्पष्ट है कि सेल में धातु और धातु के संपर्क में रहते हैं, जहाँ कैथोड और एनोड निम्न प्रकार से अभिक्रिया होती है। एनोड पर जिंक और जेडन प्लस और दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है, कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन जाकर के जुड़ रहा है। तो यहाँ एक एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे अपचयन होता है, अभिक्रिया गठित होती है। इन्हें अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन बाह्य पथ में प्रवेश करते हैं। वो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है और उस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इस प्रकार जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। जहां संपूर्ण रिएक्शन लिखते हैं तो जेडन प्लस सीयू प्लस जेडन प्लस सीयू यानी कि ये सेल अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसी अभिक्रिया द्वारा गैल्विन सेल से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। ये डेनियल सेल होता है। डेनियल सेल का ये जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट भरा रहता है और इसमें कॉपर सल्फेट भरा रहता है और ये वोल्टमीटर से जुड़ा रहता है। मानी कि इससे प्रूफ वाट जो प्रूफ है इससे ये चेंबर बिल्कुल अलग होता है। तो ये डेनियल सेल का एग्जाम्पल हमारे पास में। मैंने दो दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हो गए, दोनों के अलग अलग सॉल्वेंट हो गए। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? तो उष्मागतिकी की मान्यता के आधार नेस्ट ने एक समीकरण उत्पन्न किया जो कि सेल के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड की प्रवृत्ति, ताप और विलयन, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, ताप और विलयन में उपस्थित अणुओं की सक्रियता को संबंध को दिखाता है। माना कि एक उपकरण एक गैल्विन सेल में एक सामान्य सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है, जैसे ए ए बी बी सी सी और डी सी। इस प्रकार की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को इस तरह उष्मागतिकी के द्वारा लिखते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ ए सी की सी डी की डी, ए का ए बी का। ये क्रमशः अभिक्रिया की एक्टिविटी है। मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, अर्थात जबकि अभिकार और उत्पाद की सक्रियता इकाई है। समीकरण द्वारा मान साथ में प्रतिस्थापित कर लेते हैं और एन एफ ई इज इक्वल टू एन एफ जीरो प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ ए सी सी ए डी डी ए ए ए ए बी बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि E equal to E zero RT natural log of NF natural log of ACC ADD AA A next समीकरण इसको बोलते हैं। यहाँ पर natural logarithm का आधार E और log में परिवर्तित करने पर 2.303 से गुणा करना पड़ा कि ये वैल्यू इसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर N सेल अभिक्रिया को स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, T परम ताप है, F फैराडे नंबर है। मानक विद्युत वाहक बल को स्टैंडर्ड EMF भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड विभव या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। जहाँ अभिकार उत्पादों की सत्रें इकाई होती हैं तो इज इक्वल टू ई जीरो। सेल अभिक्रिया में जब अभिकार उत्पाद की सत्रें इकाई हो तो सेल का विद्युत वाहक ही बल ही मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये निश्चित ताप पर मान नियतांक होता है और ये सेल का अभिलक्षणिक गुण है। इज इक्वल टू ई जीरो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए सी सी ए डी डी। मैंने इक्वेशन के रूप में लिखते हैं और इसका लॉग का आधार 10 हो तो सिंपल सी बात है 2.303 से मल्टीप्लाई करने 0.0591 अपॉन एम के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ई इक्वल टू ई जीरो 0.591 अपॉन एन लॉग ऑफ ए सी सी ए डी डी वाला। यहाँ ध्यान रखना चाहिए ठोस पदार्थ द्रव जैसे एच जी बी आर आदि में एक वायुमंडलीय दाब पर गैस की सक्रियता इकाई होती है। चूंकि तनु विलयन में सक्रियता का मान लगभग सांद्रता के समान मान लिया जाता है, अतः नेक्स्ट समीकरण में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ई इक्वल टू ई जीरो 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ सी सी डी और इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सेल की विद्युत वाहक बल की गणना करनी है तो जिंक का जैसे सेल है तो जेडन प्लस टू इसके ए इसकी सांद्रता इतनी है, एच जी इसकी सांद्रता इतनी विद रेफरेंस टू ए जी 2.298। इस मानक इलेक्ट्रॉन विभव की बात करते हैं तो इसमें जिंक जेडन प्लस टू और दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, फिर ए जी के साथ ये रिएक्शन करके जेडन प्लस टू टू ए जी बना लेता है। नेक्स्ट समीकरण डाल दे इज इक्वल टू ई जीरो 0.591 अपॉन एन लॉग ऑफ दिस। ये वैल्यू पुट अप करने पर ई की वैल्यू हमें इतना वोल्ट 1.6191 वोल्ट प्राप्त हो जाती है। एक सेल की अभिक्रिया को लिखते हैं जिंक प्लस सीओ प्लस जेडन प्लस सीओ। इस आरेख को हम इस तरह से देखें तो इसमें देखें कि ये सेल रिएक्शन हमने लिखी, इसमें एन की वैल्यू 2 है, ई की वैल्यू 1.1 है, इसकी वैल्यू ये है और हमें लास्ट में ई की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो सेल के ईएमएफ एकल इलेक्ट्रोड में किस तरह लिखते हैं
तो यानी सेल ईएमएफ एंड सिंगल इलेक्ट्रोड खुले परिपथ में, यानी कि सेल की कोई विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो, तो इलेक्ट्रोड को विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है, जहां पहले एक एकल इलेक्ट्रोड विभव और बाद में सेल पूर्ण सेल विभव की व्याख्या करना उचित होगा। इससे पहले हम पढ़ते हैं एक सेल जिसमें डेनियल सेल है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड और उसके चारों इलेक्ट्रोड कक्ष में विलयन समेत अर्ध सेल कहलाता है। अर्ध सेल और रासायनिक अभिक्रिया को अर्ध सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक सेल में जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयनों के संपर्क में रखा जाता है तो उसके इलेक्ट्रोड त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्युत इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। यदि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो विभव ऑक्सीकरण विभव होगा, और इलेक्ट्रोड अगर ग्रहण करता है तो अपचयन विभव होगा। किसी भी अर्ध सेल का विभव अर्थात एकल इलेक्ट्रोड विभव को हम सीधे ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि पूर्ण सेल को दो इलेक्ट्रोड का विभवांतर प्रयोग द्वारा सीधे ज्ञात किया जा सकता है। अतः किसी अर्ध सेल की इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए उस अर्ध सेल को एक अन्य अर्ध सेल विभव या शून्य सेल या पहले से ज्ञात हो युग्मित करके संपूर्ण सेल का विभव यानी विभव माफी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि ऐसा कोई भी अर्ध सेल नहीं है जिसका विभव शून्य हो, अतः स्वेच्छा से कोई भी मानक इलेक्ट्रोड चुन लिया जाता है जिसकी तुलना करके ही अन्य सभी सेल अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। अतः वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन गैस को इकाई सक्रियता वाले हाइड्रोजन आयनों के संपर्क में रहते हैं तो हाइड्रोजन एस एच ई माना जाता है। हाइड्रोजन मानक स्टैंडर्ड विभव को निरूपित करते हैं एच प्लस इक्वल टू ए, ये अभिक्रिया इस प्रकार दी जा सकती है टू एच प्लस इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव है और इलेक्ट्रोड की इकाई है। ये ध्यान रखने की बात यहाँ पर है कि आयनों की सक्रियता का इकाई न हो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य नहीं होगा, अतः मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं कहलाता। तो संपूर्ण सेल की सांद्रता पर एकल इलेक्ट्रॉन पर विचार करके इस तरह E=E0RT नीचे लोग अपने AM अपॉन AMN प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्रमश से योग्य धातुओं के लिए उसकी सक्रियता के आधार पर E=E0RT नीचे लोग अपचित और ऑक्सीकृत E-0RT नीचे लोग ये E0 अर्ध सेल की अभिक्रिया मानक इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। सेल को विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति कैसे होती है तो उपरोक्त विधि में दो अर्ध सेल अभिक्रियों को परस्पर जोड़ लिया जाता है तो सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो E cell is equal to ER minus EL, या दाईं और बाईं ओर इलेक्ट्रोड विभव है उसका अंतर ही सेल की का विभवांतर होता है। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो E cell RT नेचर लॉग ऑफ Q, Q अभिकार क्रियाकारक पदार्थ के उपयुक्त जो अभिक्रिया के भाग ले रहे हैं उसमें डेनियल सेल का उदाहरण है जैसे जिंक जडन सीयू तो सी सेल राइट प्लस माइनस लेफ्ट सी सेल टॉपर ये इक्वेशन के रूप में लेते हैं ई सेल इसके बारे में इसमें से इसको बाकी निकाल देंगे तो ये संपूर्ण सेल की हमारे पास स्थिति आ जाता है। अतः ई जीरो सेल का ज्ञात करके अभिक्रिया के भाग लेने वाले आयनों की सक्रियता ज्ञात करके डेनियल सेल या किसी अन्य विद्युत वाहक सेल की गणना की जा सकती। अब आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड एस एच ई। रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसी अभिक्रिया का विभव मापने के लिए कि मानक इलेक्ट्रोड का होना आवश्यक है जिसे संदर्भ में उस इलेक्ट्रोड का विभव मापा जा सके। ऐसा शून्य विभव वाला मानक इलेक्ट्रोड संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है। इस कार्य के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर जाती है तो हाइड्रोजन के लिए पीटी एचजी एच हाइड्रोजन के रेफरेंस में ये इसका हाफ हो गया। मानक हाइड्रोजन विभव की स्वेच्छा से शून्य माना जाता है जिसे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना होता है उसको हाइड्रोजन के कंपेरिजन में निकलेगा उसका आंसर। उससे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से युग्मित करके सेल बना लेते हैं और उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। माना कि एक इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो M, M प्लस H प्लस के रेफरेंस में इस तरह हमने सेल रिएक्शन लिख दी उसमें पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन करेंगे और इसके द्वारा M जैसे एनोड पे M इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है संपूर्ण सेल तो स्टैंडर्ड सेल ये इस तरह से संपूर्ण सेल अभिक्रिया हम लिख सकते। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है परंतु इलेक्ट्रॉन विभव का मान प्रत्येक सांद्र अवस्था पर ज्ञात करना कठिन है। अतः मानक हाइड्रोजन के संदर्भ में विद्युत अपघट्य की मात्रा को स्टैंडर्ड स्टेट में विभव ज्ञात करते हैं। माना कि एक ही छड़ के विलयन में अतः इलेक्ट्रॉन होगा जेडन प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फेट। नेक्स्ट समीकरण का उपयोग करके इसको ज्ञात कर सकते हैं जेडन जेडन दिस दिस और इस तरह ठोस अवस्था में इसको ज्ञात कर लिया और तनोता के बारे में ज्ञात कर लिया तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाए। इसी तरह जेन के मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करना है तो जिंक छड़ पर उत्पन्न हुआ हुआ विभव जिंक छड़ की सक्रिय सांद्रता जेडन प्लस टू संपर्क में आती है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। नेक्स्ट समीकरण का उपयोग करके किसी भी इलेक्ट्रोड में विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं तो एम एन ई इक्वल टू एम हो गया।
ईसीएल, ये रेडोक्स अपॉन ऑक्सीडेंटल स्टेट आ गया। इसी तरह इसको देखिए ईसीएल, सीएल के रेफरेंस में निकाला तो ऑक्सीडेंट, ई कैलिब्रेट की रिएक्शन में 0.591 अपॉन एन ऑक्सीकृत अवस्था अपॉन अपचित अवस्था के रेफरेंस में ये इलेक्ट्रोड निकाल सकते। धन्यवाद।